जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो बायोमोलिक्यूल सीरीज से है, और आज जो हम नया सीखने वाले हैं वो है किलियनी फिशर सिंथेसिस। क्या होने वाला है वीडियो के अंदर, सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है, किन कंपाउंड को किस कंडीशन में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैकेनिज्म कैसे होगा, और कुछ एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कि है क्या, तो उससे पहले हम समझने डेफिनेशन अपन रटें, उससे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊँगा और उसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड बनाया कुछ ऐसे, ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया, आपको अच्छे से पता चल गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जब भी मैं पेपर पे कहीं पे भी इस तरह से क्रॉस मेंशन करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिशर। चलिए, एरेबिनोज मैंने कंपाउंड लिया है, इसे बोलते हैं एल्डोपेंटोस। मैंने क्या बोला इसको, एल्डोपेंटोस। क्यों बोला, आपको कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये, आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा। देखो, ए क्या है, ऊपर ही ऊपर टॉप पे एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसके साथ 1 2 3 4 5 टोटल 5 इस कंपाउंड में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 5 कार्बन है, तो एल्डो आया एल्डिहाइड से, पेंटो पेंटोज आया 5 कार्बन पेंटोज से। ओके ओके, हमने ले लिया पेंटोज, एल्डो पेंटोज। इसको हम ट्रीट करवाएंगे कुछ इस कंडीशन में, HCN डालेंगे और इसका हम रिडक्शन करा देंगे रोजनमुंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जब हम इसके साथ में ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका हाल क्या होगा, सुनिए, ये कुछ ऐसा हो जाना है। कैसा हो जाना है, ऐसा। पहले कितने कायरल कार्बन कितने थे, पहले 1 2 3, अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 का 4। ओके, मेंशन कर देता हूँ मैं इनकी कंडीशंस को, एच ओ एच ये लीजिए। इसके बाद में ये जैसा मेंशन कर रखा है हमने, एज इट इज हम इसको मेंशन कर देंगे, ओ एच ओ एच एच एच। ओके, इसके साथ में एक और प्रोडक्ट मिलेगा हमें, सी एच ओ सी एस टू ओ एच, वही 4 कायरल कार्बन लाइन खींचेंगे वर्टिकल इस पे और ग्रुप अटैच कर देंगे। यहाँ पे बस ध्यान रखना है, ये जो 3 है ये तो एज इट इज है, जैसे यहाँ पे थे एच ओ एच ओ एच ओ एच एच एच, इधर ओ एच इधर एच। सुनिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि क्यों क्या और कैसे। देखिए, इन दोनों को देखिए, नंबर टू कार्बन, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, टू नंबर कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो गई, और ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। क्या होते हैं, बिल्कुल डाइस्टीरियोमर। और इन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, एपीमर। एपीमर क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स, तो फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे फिशर प्रोजेक्शन जो एक दूसरे के आइसोमर हो लेकिन नंबर टू कार्बन पे उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री या ग्रुप्स क्या हो, चेंज हो, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एपीमर। ठीक है, तो अब हम आते हैं किलियनी फिशर सिंथेसिस है क्या। मोनोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड बनेंगे लेकिन पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर बनेगा और एक दूसरे के एपीमर होंगे। ये सिंथेसिस क्या होता है, किलियनी सिंथेसिस, यानी पेंटोहेक्सोज रिएक्ट विद KCl एंड आफ्टर रिडक्शन इट गिव्स ग्लूकोज एंड मेनोज। ठीक है, तो हम नेम भी लिख लेते हैं इनके साथ के साथ में, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज मेनोज। ओके, ये तो एपीमर हो गए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एपीमर जनरेट कर रहे हैं, डाइस्टीरियोमर बना रहे हैं किलियनी फिशर सिंथेसिस में, और इसमें मेन चीज़ क्या है, एक कार्बन ज़्यादा का प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। किलियनी सिंथेसिस में एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, कार्बन किसकी वजह से बढ़ा है, इस साइनाइड की वजह से बढ़ा है जी, दिस इज द रीज़न। ठीक है, समझ में आया।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ये तो हमें लर्न हो गया, अब हो कैसे रहा है ये, तो उसके लिए मैकेनिज्म है हमारे पास में। आइए, हर क्वेश्चन का आंसर है मैकेनिज्म। टेंग टेंग टेनिंग। आइए, एरबिनोज जो हमने लिया है, हम इसी को पकड़ लेते हैं सबसे पहले, और इन भाई साहब को बोलते हैं कि देखिए आपको हम आपके एल्डिहाइड को ऐसे लिख लेते हैं, बाकी के जो दो ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं, उनको हम कुछ ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो इनको कोई एतराज होगा क्या, बताइए। ये बोलेंगे नहीं, आप मैकेनिज्म कर रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये और ये सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सी एच ओ ग्रुप को ऐसे लिख दिया। बस हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे HCN, HCN। हाँ तो भैया, जब भी मैं HCN को ब्रेक करूँगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और साइनाइड पे नेगेटिव आएगा क्या, आएगा क्या, बिल्कुल। ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ए सॉरी कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड कैसी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास में है और ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर, कैसे, देखिए ऐसे पिचकियाँ, और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। आइए क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं साइनाइड को टिका देता हूँ, लो भाई मेहमान आया ना, और फिर ये कार्बन बना देता हूँ, ये लीजिए। इसके बाद में बाकी का सेम मैं एज इट इज़ मेंशन कर देता हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और नीचे CH2OH। इन ग्रुप्स पे जो इनकी पोजीशन है, सेम पोजीशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए, डिचकियाँ। ओके नेक्स्ट, अब सुनिए, ये जो कार्बन है, ये वाला साइनाइड तो हमने ऐड कर दिया, साइनाइड से भी हुआ प्रॉब्लम नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड के इस कार्बन को देखो, आप इस कार्बन पे एक तो है O, यहाँ से आ जाएगा H, तो ये क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ इस तरफ, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन मेंशन है, वो मैं इसको इस तरफ मेंशन कर लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ध्यान से देखिए, बाकी का तो एज इट इज़ है ही। अब आगे चलते हैं, इसमें मैंने क्या बोला है, एपीमर बनेंगे, डेस्टोरीमर बनेंगे। डेस्टोरीमर क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के आइसोमर तो हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज का मतलब ये है कि जैसे आपने आईने में खुद को देखा, जैसे रोज उठते हैं, उठने के बाद में आपकी आपको मिरर में क्या दिखता है, आपकी शक्ल दिखती है, जैसे आप हैं। अगर किसी दिन ऐसा हो कि आपने मिरर देखा और मिरर में कोई ऐसा हो जो आप जैसा नहीं है, तो वहाँ से भाग लेना वहाँ से भाग लेना, क्योंकि वो क्या है फिर, भूत। हॉरर मूवी में ऐसे ही तो दिखाते हैं। तो अब जो उस मिरर में दिख रहा है वो और आप क्या है, एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर। लेकिन आप जब नॉर्मल कंडीशन में हम मिरर में देखते हैं, तो हम एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। और मिरर इमेज तो है ही, लेकिन कैसे हैं डिपेंड करता है कि कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें ले रखी। चलो यहाँ पे आते हैं, ये क्या बन गया, एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा, इसके इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे ये वाले कार्बन भाई साहब आ जाएंगे, इधर H लगा दूंगा, इधर OH, एक बार OH राइट हैंड साइड में, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी का ऐसा वहाँ कोई चेंजेस नहीं किए करने हैं, जहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए। ये लीजिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब करना क्या है, इस ऑक्सीजन, ये साइनाइड जो है, ये लीजिए, मैं क्या करता हूँ ना, इधर ये चेंजेस कर देता हूँ, कि इधर तो कर देता हूँ एच, इधर कर देता हूँ OH। तो अभी देखो क्यों कर रहा हूँ, वो बता चल जाएगा आपको। इसके अंदर मैं PDBaSO4, यानी मैं इसका क्या करा रहा हूँ, रिडक्शन। और इसके अंदर भी मैं क्या डाल देता हूँ, S2 PDBaSO4। ये लीजिए, दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने ये चेंजेस किए, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो कंपाउंड है वो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, और ये यहाँ से ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ इतना सा है, हमें इतना पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं कैसी रिएक्शन देते हैं, ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो मैंने करवाया। उसके बाद में सिर्फ आपको रिडक्शन करना है, क्या डालना है, रोजेनमुंड कैटलिस्ट डालना है, और हमको क्या ले लेना है, हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं, एपीमर है। एपीमर का मतलब होता है नंबर टू कार्बन, फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर से जब काउंटिंग करते हैं, नंबर टू कार्बन पे दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है। चलें, तो ये तो था क्लीनियन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की।
अब कुछ एग्जाम्पल की बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इधर जो मैंने लिया राइबोज का लिया। राइबोज के अंदर क्या है, एल्डो पेंटोज होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। सारे के सारे OH ग्रुप सेम साइड में होते हैं, याद करने की ट्रिक है राइबोज को, ठीक है। हमने क्या करा, साइनाइड से ट्रीट करवाया, रिडक्शन करवाया, तो एलोज और एल्ट्रोज हमें मिल जाते हैं। मैंने क्या किया है समझिए, यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पे मैंने सेम रखा है दोनों में, लेकिन आगे क्या चेंज किया है, ये जो कार्बन है वो ये रहा, इस पर मैंने 2 ग्रुप लगाए OH और H, इन दोनों की रेस्पेक्टिव पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। और जो साइनाइड जो मैंने ऊपर लगाया था उसका रिडक्शन के बाद में CHO बन गया था, हमारे मैकेनिज्म में आपको पता है, बताने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राइबोज से क्या बना, एलोज और एल्ट्रोज, इनके आगे डी लगा हुआ है। तो सुनिए, लास्ट कायरल कार्बन, मैंने क्या बोला, लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे होगा, तो डी राइट हैंड साइड में, डी राइट हैंड साइड में, डी राइट हैंड साइड में, डी 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 डी। जाइलोज, जाइलोज क्या है, जब नंबर 3 कार्बन पे 1 OH लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी के OH राइट हैंड साइड पे, तो इसे क्या बोलते हैं, जाइलोज। जाइलोज को मैं किससे ट्रीट करवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैं साइनाइड डालूंगा और S2PDBSO4, ये क्या है हमारे रोजन मून कैटलिस्ट, इससे मैं साइनाइड का क्या करूंगा, रिडक्शन करूंगा, तो मेरे सामने ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक का मैंने इसमें सेम रखा है, देखिए सेम रखा है, बस यहाँ पे जो 1 कार्बन था उस पर मैंने 2 ग्रुप अटैच किए हैं OH ग्रुप, एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, समझ में आ गया क्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, गुलोज, और ये हो गया इंडोज। अब ये भी क्या है, डी फॉर्म है, क्यों, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे है इसलिए, ओके। अब सुनिए, आप कई बुक्स में देखेंगे कि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ये कर रखा है कि साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद में, कहाँ मैकेनिज्म में, इन्होंने साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद में ऐसे, बाकी का कंपाउंड नीचे का ऐसे ऐसा, इन्होंने इसका करा रखा है हाइड्रोलाइसिस, S2 डाल के इस साइनाइड को COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर रखा है, ऐसे कुछ बुक्स में ऐसे कर रखा है, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या कर रखा है कि ये जो लास्ट वाला OH ग्रुप है इसके साथ में इन्होंने क्या कर रखा है, H2 रिमूव करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रखी है, ऐसे। और फिर इसका रिडक्शन करा रखा है और फिर आपके प्रोडक्ट बना रखा है जो अपन ने बना रखे हैं। ये प्रोसेस भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है, हम इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि आपको जो साइनोहाइड्रिन मिल रहा है मैकेनिज्म में, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोलाइसिस करके, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब हम CN ग्रुप का करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट वाले जो कायरल कार्बन पे OH ग्रुप है इसके साथ में वो इनको H2 निकाल देगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, यहाँ से फिर इसका रिडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट पे आता है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया है, हमने जो कंपाउंड है उसका साइनोहाइड्रिन बनाया है और उसका हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हम चाहते थे वो हमने बना लिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्यों, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर एक ही शख्स ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो है आप, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।